अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व्यूअर्स, क्या हाल है? ठीक ठाक हैं आप? और मैं उम्मीद करता हूँ आप खैर खैरियत से होंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। और है ना, आज मैं ये दातरी लेके खड़ा हूँ, मैंने चावल काटने हैं और आज आपको मैं चावल काट के दिखाऊँगा और वहाँ लेके जाएँगे और इनको जो है ना झड़काएँगे, झड़का के जो है ना आपको दिखाएँगे इसमें से जो है ना वो धान कैसे निकलता है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले, शुरू करने से पहले आप लोगों से हमारी रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे व्यू बढ़ाएं। कम होते जा रहे हैं, बढ़ाने को कह रहा हूं तो कम हो रहे हैं, क्या कर रहे हो? तो आओ चलते हैं। तो अभी हम जा रहे हैं उधर, चलते हैं, आओ व्यूअर्स हम चलते हैं वहां पर। तो हमारे चावल दाना हो रहा है कि नहीं, बीच में चलते हैं, आ जाओ। तो व्यूअर्स ये देखें, हमारे चावल है ना तैयार हो रहे हैं, ये भी जो है ना माशाल्लाह से तैयार हो चुके हैं, ये कट रहे हैं, इनको काट रहे हैं। तो इनको अभी बहुत देर, तकरीबन इनको जो है ना 20 से 25 दिन, एक महीना लग जाएगा गालिबन। तो इंशाल्लाह जो है ना अभी आगे जो है यहाँ से थोड़े से काटते हैं चावल, क्योंकि मुझे तो तरीका नहीं आता, मैं कोशिश करूंगा। मैं काट के दूँ? नहीं, मैं काट लूंगा भाई, नीचे नीचे से काटना। तो अभी जो है ना व्यूअर्स मैं अभी काटने लगा हूँ, चल भी दिखाओ मेरे व्यूअर्स को। देख रहे हैं व्यूअर्स, मैं जो है इनको काट रहा हूँ, अभी मैंने कुछ काट लिया, थोड़े और काट लेते हैं। वहाँ नहीं था, खड़े थी यार। ये भूत मार के टूदा है नहीं, गुड़िया की तरह। अभी हमने जितने काटे हैं, अभी थोड़े से ही काटे हैं, इनको लेकर चलते हैं वहाँ पर। तो वहाँ चाल के झड़काते हैं, स्टॉप करें। हमने इतना सा काट लिया, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं काटा, तो चलते हैं अभी इसको हम जाना झड़काते हैं, साफ़ करेंगे। साफ़ करने के बाद फिर आपसे जब छपेंगे तो आप आपको दिखाएँगे। आज अरे दिखेंदा ईद वाले ईद वाले ऐसा ऐसा टूटता उसमें सही से दिखती। तो व्यूअर्स अभी मैं जो है ना इस चावल को बनाना शुरू कर रहा हूँ। ये देखें व्यूअर्स, तैयार है ना व्यूअर्स? चुप कर बहुत जी गल है ना, पता होता बंदा शोर ना कर, सब क्या फायदा है काम करने का, थोड़ा थोड़ा शोर बेचे।
क्या है? तो व्यूअर्स ये देखें, यहाँ पर जो है ना, ये चावल तो नहीं है, ये धान है। ये देखें, ये धान हमने निकाली हुई है। तो आज जो है ना, ये देखें मुर्गियाँ भी खा रही हैं इधर। ठीक है व्यूअर्स, अच्छा बाबा अभी देता हूँ। ये देखें व्यूअर्स, ये देख रहे हैं आप माशाल्लाह से जो है ना, अभी चलते हैं। ये देखें, ये मैंने अभी निकाले, इनके ऊपर से सारे उतर गए हैं सूखे सूखे। और ये गाय है, ये बैठी हुई है, ये माशाल्लाह एक महीना बाद। तो व्यूअर्स अभी जो है ना, मैं इधर बैठा हुआ हूँ चावलों के अंदर। इधर से पहले चावल कटवाए हैं हमने उनके साथ, जो आते हैं काटने वाले, मैंने वो उठाए हैं चावल। तो उठा के जो है ना घर लेके गया था, फिर थोड़े से मैंने खुद भी काट के देखे हैं कि कैसे काम होता है। बहुत मुश्किल है काट के और उसको झटकाना, मेरे तो सांस फूल रहे थे। तो बाकी अल्हम्दुलिल्लाह चावल कटना शुरू हो गए हैं हमारे। अभी तो यहीं से हुए हैं इधर के, अभी उधर दूसरी जगह जहाँ पर हैं वो अभी रहते हैं, वो तकरीबन हैं कोई डेढ़ एकड़ बच रहा है वहाँ पे अभी, तो वो भी कटेगा इंशाल्लाह से। रिहान के नाना अबू के, हमारे नहीं हैं, हमारे उधर थोड़े से हैं बस, वो अभी तो उसको दे रहे हैं 20-25 दिन। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब भी खैरियत से होंगे माशाल्लाह से। मैं अभी आपको जो है ना, ये मेरे साथ करीब करीब जो चावल है मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। तो अभी दिखाता हूँ एक मिनट में। जी व्यूअर्स, ये देखें माशाल्लाह से, ये देसी चावल हैं जो 60-70 रुपये किलो मिलते हैं, ये वो वाले हैं। अभी कुछ कुछ कच्चे हैं, हरे हरे हैं, अभी जो है ना रेडी नहीं हुए। तो ये देखें माशाल्लाह से, ये जो है ना गिर गए हैं। ये आप लोगों को पहले ही बताया था हमने कि ये गिर गए थे। जे शौके तीरंदाजी दा, ओ मेरा सीना चुट तेरा शौक मिटे। मैदा रोज लुटी जन पेशा है, मैं कुराज राज लुट तेरा शौक मिटे। तेको गैर पसंद हैं जिंद जीवी, हो बन गैर दा जुट तेरा शौक मिटे। निसे भांदे खालिद जी छुड़वा, आगाटा घुट तदा शौक मिटे। तो भी बस अभी आज जो है ना, मेरी हालत बहुत ख़राब हो रही है, क्योंकि मैं थोड़ा उधर अपने घर भी थोड़ा काम करता रहा, और इधर से जो है ना इनके साथ चावलों का काम भी करता रहा इसीलिए। और हवा चल रही है बहुत तेज़ हमारे पास आज जो है ना, बहुत तेज़ हवा चल रही है, और उसकी वजह से जो है ना आज मैं ना दाढ़ी बनाने जा सका, मेरे पास टाइम ही नहीं था, और जो है ना कलर कराने गया आज। बने गैर ता गैर गजब दाहे, हा यार ता यार गजब दाहा। उंदी का तेल अख दे तरकश विच, हर तीर तियार गजब दाहा।
ओ मेरी जात तेने से इतबार किता, ओ बे इतबार गजब दा, कुपुर नम खार गजब दी हई, ओ सा कुपुर नम प्यार गजब दा। तो व्यूअर्स, उर्दू और सराकी मैं मिक्स करता रहता हूँ। अभी जो है ना, ये आज के व्लॉग का यहीं करते हैं एंड। और जो है ना, बहुत बहुत मेहरबानी, शुक्रिया, अल्लाह आपको खुश रखे और आप हमारी वीडियो देखते हैं। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़, मा सलाम।